ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का बैटर तैयार करके रख लेते हैं। तो इसके लिए हमने बाउल के ऊपर एक छन्नी रखी है, उस छन्नी के अंदर हम डालेंगे आधा कप बेसन और बेसन को हम अच्छे से छान लेते हैं। बेसन को छाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बैटर के अंदर कोई भी लम्ब वगैरह ना रहे। तो उसको हम साइड पे करते हैं और मसाले ऐड करते हैं। तो मसाला में इसमें चला जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चाय का चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी बहुत नमक रहता है। तो यहाँ पे हमने एक खाने का चम्मच इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया किया है खूबसूरती के लिए, और एक चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुश्क धनिया क्रश करके। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए एक रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही इतना पतला होना चाहिए कि उसके ब्रेड के ऊपर उसकी लेयर ही ना आए। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए इसका रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बैटर को घोल लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा हमारे ब्रेड पकौड़ा को क्रिस्पी करेगा, बस इतना ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से हम बीट करेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए। ये ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप यकीन करें अगर आप इसको मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपके ब्रेड पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे और आपके घर वाले रोज फरमाइश करेंगे इस ब्रेड पकौड़ा की। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप बैटर को जब चम्मच पे डाल के उसको नीचे गिराएं तो वो एक रनिंग कंसिस्टेंसी से नीचे गिरे। तो इसको हम साइड पे करते हैं और हम यहाँ पे मिक्सचर तैयार कर लेते हैं ब्रेड के अंदर जो हमने आलू का मिक्सचर बनना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया, इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए मैश किए हुए आलू। आलू को मैंने उबाल लिया, उनको ठंडा करके उन्हें अच्छे से मैश कर लिया। तो आलू हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरा पुदीना। खुशबू के लिए पुदीना आप स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करेंगे तो आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच जीरा पाउडर इसके अंदर चला जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी, मैंने बाद में डाल लिया था। तो आपने इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक भी ऐड कर लेना है। तो चाट मसाले के अंदर भी नमक रहता है तो ध्यान से ऐड कीजिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो गया है, फटाफट से ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो इसको हम साइड पर करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। ब्रेड आपके बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, आपने 1 या 2 दिन के ब्रेड नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे 6 ब्रेड लिए हैं तो 6 ब्रेड से हमारे 6 पकौड़ा बनेंगे। तो इसके हम किनारों को अच्छे से काट लेते हैं। तो इन किनारों को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके आप ब्रेड क्रम बना के रख सकते हैं, रोस्ट करके रख सकते हैं इनको, और आप इनका हलवा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ब्रेड के किनारों को काट लिया है। तो एक ब्रेड लेते हैं, ब्रेड के ऊपर हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। यहाँ पे आप इसकी जगह टोमेटो केचप लगा सकते हैं, इमली की खट्टी मीठी चटनी लगा सकते हैं, या जो ग्रीन चटनी आप घर में बनाते हैं ना हरी धनिया और पुदीने की, आप वो भी लगा सकते हैं। तो जो आपकी मर्जी हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉस लगा दी इसके ऊपर, उसके ऊपर हम ये आलू का मिक्सचर लगाएंगे और सारा चम्मच की मदद से हम इसको फैला देंगे। तो यहाँ पे हमने आलू का मिक्सचर अच्छे से फैला दिया है, आप चाहें तो उसको भर भर के भी ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। उसके बाद हम दूसरे ब्रेड के ऊपर भी हल्की सी सॉस लगाएंगे और उसके उसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है तो इसको सेंटर से हम काट देंगे बिल्कुल सैंडविच की तरह। यहाँ पे हमने ब्रेड को 2 इक्वल पार्ट्स में काटा है, आप चाहें तो उसके 4 पीसेस भी बना सकते हैं अगर आप छोटे पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो। तो यहाँ पे हम सारे ब्रेड इसी तरह तैयार कर लेंगे। सारे ब्रेड मैंने इसी तरह तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे बेसन का घोल लेंगे जो हमने पहले घोल के रखा था, उसके अंदर हम एक पकौड़ा उठाएंगे ब्रेड का, उसको अच्छे से इस बेसन के अंदर डिप करेंगे और एक्स्ट्रा बैटर जो है वो हम इस तरह निकाल देंगे। तो यह एक्स्ट्रा बैटर इसका उतर गया है तो इसको हम मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे इस पकोड़े को। आपने मीडियम हॉट ऑयल लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म लेना है और ना ही ठंडा ऑयल लेना है। मीडियम हॉट ऑयल लेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर हम इनको फ्राई होने देते हैं। एक साइड से हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे, गोल्डन सा कलर आ चुका है, और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो हमारे पकौड़े दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए हम फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और 10 सेकेंड के लिए हम इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। इससे एक तो कलर अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे, ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो 10 सेकेंड हो चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि इनको कितना प्यारा कलर आया है और ये खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आप इसको बनाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो इसको लास्ट वाले को भी हम निकाल लेते हैं और बाकी के सारे भी इस तरह फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पे सारे ब्रेड पकौड़ा हमने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जूसी हमारे ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गए हैं। इस रमज़ान आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप आप लोगों ने आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को इंजॉय किया होगा। थोड़ा सा भी इंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, इस रेसिपी को शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।